कानून के रखवाली ही जब उसे ताक में रखने लगे तो ऐसे में आम जनता का क्या होगा। जबलपुर एसपी कार्यालय में हुई जनसुनवाई में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। विजयनगर क्षेत्र में प्लाट में पुलिस कर्मी के द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा। पीड़ित सुनील गुप्ता का कहना है कि अजय पीपरे नाम का पुलिसकर्मी प्लाट पर कब्जा करने के बाद अब उससे 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। उस पुलिसकर्मी पर पहले से भी फर्जीवाड़े के मामले दर्ज हो चुके हैं। शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। मेरा विजयनगर मथुरा विहार प्लाट है, सन 2007 में मैंने लिया था मम्मी के नाम से। उस पर अजय द्विवेदी नामक एक पुलिस वाले हैं, वो कब्जा करके रखे हुए हैं और शुक्रवार के दिन मेरे मोहल्ले में आया और मेरे द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिसकी सुनवाई मैंने शिकायत पहले भी दी है और अभी भी साहब से बात हुई तो उन्होंने ये TI साहब से बात करके नंबर दिया है कि आप अर्जेंट जाइए और उस पर मुकदमा कायम कीजिए और इनका प्लाट पर कब्जा जो है वापस दिलवाइए। किस थाने में क्या नाम है? वो किस थाने में, पहले तो क्राइम ब्रांच में रहे, अभी सस्पेंडेड चल रहे हैं। उन पर पहले भी ये मुकदमा दर्ज हो चुका है, 58 लाख रुपए की फर्जी भैंस का,